हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग आज मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से तो वही घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े झाड़ू धोना वही लग रहा था बस। तो मैंने सोचा शाम को आलू के पराठे बना लेती हूँ, तो उनको ही दिखा रही हूँ आपको। और ये देख मेरी चुन्नी में से जो भी मोती थे ना उन सबको खींच खींच के हटा ली। पर ऐसे गंदी बात होती है बेटा, मेरी चुन्नी को खराब कर देते हो आप पूरा देख, है ना? ऐसे नहीं करना ठीक है। ये सारी मोती है ना इनको हटा लेती पूरी। आप भी हेलो बोल दो ऐसे। ओ वो गिर गया। ये दूध को मैंने आज छोटी बगुनी में रख दिया जी। ये भी अभी तो उखड़ता था, उखड़ते उखड़ते बचा लिया थोड़ा सा मैंने इसको। यहाँ पर उबल रहे हैं मेरे आलू पराठों के लिए, और ये पूरा सामान तैयार कर रखा है मैंने। इनको तो काट के रख रखा है, अब आलू उबलते इनको मैश कर लूंगी फिर मैं। यहाँ पे चल रहा है परू का डांस। अच्छे से करो डांस अच्छे से। अरे वाह, घुटने टेक के भी डांस। ये कहां से सीख लिए बेटा? अरे घुटने टेक के डांस करूंगा। दोनों बाप बेटी का डांस चल रहा है। चुपके से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इनको पता ही नहीं। अभी आलू उबल चुके हैं, इनको मथा जा रहा है और फिर इनका इनको मिलाया जाएगा मसाले में अंदर। ये शुरू कर दिए देखो, इसको आलू के परांठे बड़े अच्छे लगते हैं। सर्दी सर्दी के अंदर आलू के परांठे बनाने का शौक चल रहा है। कभी आलू के परांठे बनाती है, कभी गाजर का हलवा बनाती है। देखो भाई, आपकी भी वाइफ बनाती है क्या ऐसे ऐसे? है गाइस, सर्दियों में आपकी वाइफ बनाती है क्या ऐसे? देखो आलू के परांठे। आपकी बीवी अच्छी मिली है जब भी तो बना रही है। देखो ये इधर शुरू हो गए खुद की जन्म बूटी बनाने में। अभी एक घंटे पहले पी थी, फिर दोबारा शुरू। ये तो बढ़ाई जाएगी इसमें क्या है, ये तो जरूरी है पूरे खानदान की। ये हो गया मेरा मसाला तैयार। यहाँ पे मैंने गोले भी बना के रख दिए। देखो इसमें मैंने खूब सारा मसाला भी डाल दिया, और ये मसाले बना मैं थोड़ा टाइट ही रखती, ज्यादा गीला नहीं रखती। तो फिर ये हाथ से मैं दबाती हूँ ना, जब भी आसानी से रोटी बन जाती है अच्छे से, तो ये बाहर भी नहीं निकलता फिर आराम। थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ इसके हाथों के, जिससे आसानी से रोटी बन जाती है मेरे से। बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलेगा फिर आप खुद ही। ज्यादा मसाला गीला कर लेते हैं ना तो बाहर बहुत ज्यादा निकलता है। मैं इतना सभी बाहर नहीं निकालती, खूब अच्छे से हो जाती है एकदम, दोनों तरफ से कहीं से भी बाहर नहीं निकलता। देखो खूब बढ़िया। तवे पर भी मैं थोड़ी कमांस रख के धीमी आंच में सेकती हूँ, खूब अच्छा सिक रहा है।
बिल्कुल लो फ्लेम पे सेको इसको अच्छे से, एक तरफ तेल लगा लो, एक ही लगा लो, आराम से खूब बढ़िया सिक जाएगा। ये मेरा आलू का पराठा बनके तैयार, एकदम गर्मा गर्म। ये बन के कंप्लीट हो गए हैं मेरे आलू के पराठे, और दही के साथ खा रहे हैं मजे से। दही में चटनी मिला रहे स्वाद के लिए, स्वाद लो, खा के बताओ कैसे बने, खाओ जल्दी। वाओ गुड नाइस, पर वो आप भी खा लो, आ जाओ। हैं क्या पढ़ रहे हो वहां पे? मेरे पेपर के ऊपर लिखती लिखती कर दी। ना तो तीखे हैं और इतने अच्छे हैं ना स्वाद, बिल्कुल परफेक्ट एकदम।